हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। तो आप सबको स्वागत है वॉच एंड लर्न की एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यार आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग के कुछ फोन्स के बारे में जिनको एंड्रॉइड पाई का अपडेट सक्सेसफुली मिल चुका है। यानी कि जो भी डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल गया है, मैं उन्हीं का लिस्ट आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को फुल पाई अपडेट लिस्ट बताया कि सैमसंग जो है कौन सी डिवाइस को एंड्रॉइड पाई के अपडेट लिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यानी किस किस डिवाइस को जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिलेगा। वो वाला वीडियो नहीं देखा जाना तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं एंड्रॉइड पाई का अपडेट लिस्ट। आपका डिवाइस पर अभी तक एंड्रॉइड पाई का अपडेट नहीं मिला तो वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो उसी अपडेट लिस्ट में से जिनका एंड्रॉइड पाई का जो है अपडेट मिल गया है, तो उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाओ कि कौन सी डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो है मिल गया है, और यहाँ पर जो है कौन सी डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट नहीं मिला है उसके बारे में अलग ही मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। तो आज का वीडियो में आप लोगों को बस यही बताने वाला हूँ कि कौन सी डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो सक्सेसफुली मिल चुका है। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा, तो वीडियो को स्टार्ट मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस पर चैनल पे हो नया और इस बंदे को इस पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो करके रहा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और घंटे का शंकु दबा लेना सब्सक्राइब करने के बाद। तो यार बात करता हूँ आज की इस वीडियो के बारे में। तो भाई मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है मुझे डिमांड कर रहा था कि जिन जिन डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल गया है उनके बारे में वीडियो बनाओ एक, और जिनको एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो है अभी तक मिला नहीं है उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाओ। तो मैं सोचा ठीक है कि मैं बना देता हूँ कि ये मतलब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो मैं सोचा कि ठीक है बना ही देता हूँ। तो उन सब डिवाइस का नाम मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो अब जो है आपका सबसे पहले जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट लिस्ट मिला है वो है मिला है सैमसंग गैलेक्सी S9 एंड S10 Plus में। तो गाइस इन दोनों को जो है फर्स्ट मतलब सैमसंग जो है फर्स्ट जो है एंड्रॉइड पाई का स्टेबल फर्मवेयर अपडेट दे दिया था। हालांकि इनको जो है पहले जो है मिला था एंड्रॉइड बेटा अपडेट, मतलब एंड्रॉइड पाई का बेटा अपडेट जो कि 1 UI के साथ सैमसंग ने दिया था S9 S10 Plus में। तो उसके बाद Note 9, Note 8 एंड उसके बाद जो सैमसंग S सीरीज में से ही S8 एंड S8 Plus, इन सारे डिवाइस को जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो है दे दिया है। और अब जो है मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूँगी, अभी तक मुझे मेरे सब्सक्राइबर जो बोल रहे हैं कि भाई एंड्रॉइड पाई के अपडेट साथ के जो है आपको 1 UI की देखने को मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पर जो सैमसंग जब अनाउंस कर रहा था 1 UI तब सैमसंग ने बताया था कि जिन जिन डिवाइस का एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिलेगा आप अब से, तो उन सब डिवाइस को जो एंड्रॉइड पाई के साथ ही जो है सैमसंग रिलीज़ करेगा 1 UI। तो यहाँ पर जो आपको फुल एक नया लुक देखने को मिलता है इस 1 UI में, और आई होप कि आप सब लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। तो वो है सैमसंग गैलेक्सी Note FE। तो यहाँ पर जो ये फैन एडिशन है तो इसको भी एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल गया था इसके बाद S8 Plus को मिलने के बाद ही। तो उसके बाद बात करता हूँ A सीरीज़ की। तो भाई सैमसंग जो है A सीरीज़ में से सबसे पहले जो है एंड्रॉइड पाई का अपडेट जो है रिलीज़ करा था सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 में। तो भाई यहाँ पर जो इसको जो है एंड्रॉइड पाई का अपडेट मतलब स्टेबल फर्मवेयर अपडेट नहीं मिला था, तब जो है इसको मिला था एंड्रॉइड पाई का बेटा वर्जन। तो उसके बाद ही सैमसंग जो है बेटा वर्जन जो है A7 2018 को भी जो है डाल दिया था, बट यहाँ पर जो है कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल था, बट उसके बाद ही उसके लगभग एक या दो हफ्ते बाद ही सैमसंग जो है इसका स्टेबल फर्मवेयर अपडेट जो है रिलीज़ कर दिया है बाकी सब कंट्रीज़ में भी, और जिनको अभी तक नहीं मिला तो उनको भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करता हूँ डिवाइस की जिसको जो है एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिला था, तो वो है सैमसंग गैलेक्सी A8 2018। तो गाइस A8 2018 के साथ ही सैमसंग जो है A8 Plus को भी जो है एंड्रॉइड पाई का अपडेट दे दिया था। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है सैमसंग गैलेक्सी A6 Plus। A6 Plus को जो है अभी लास्ट जो है एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिला है जो कि हाल ही में सैमसंग रिलीज़ करा है, और इसके साथ जो है सैमसंग 1 UI का मतलब वर्जन भी दिया है, और अभी तक जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो है अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पर जो बहुत जल्दी सैमसंग जो है इन सारे डिवाइस को जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है उनमें भी सैमसंग जो है ये सब अपडेट जो है डाल देगा। तो यहाँ पर जो इसके बारे में कोई भी न्यूज़ आ रहा है तो मैं आप लोगों को इस चैनल पे बता दूंगा। तो यही सब डिवाइस था जिसको जो एंड्रॉइड पाई का अपडेट सक्सेसफुली मिल चुका है और सैमसंग जो है इनको ऑफिशियली स्टेबल फर्मवेयर अपडेट जो है दे दिया है। और इनमें से आपका डिवाइस है अभी और आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलेगा जो कि 1 UI के साथ, और 1 UI जो है आपको मतलब फुल एक अलग लुक दे देगा जो कि सैमसंग जो है पहले का एक्सपीरियंस UI से बेहतर है। तो भाई आज का वीडियो में बस यही सब था, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है घंटे का ऑप्शन को दबा लेना। तो मैं मिलता हूं आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी स्टे कूल, टेक केयर ब्रो।